अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखने वाले इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस है। जैसे कि मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था, हमने अगली वीडियो में आपको बताया था मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं और उसके सारे वो भी बताए थे कब कौन सा लॉन्च हुआ। तो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। इस आज की वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस आए थे 1890। कब आए थे? 1890 में आए थे और 1940 में खत्म हो गए थे। फिर 1940 से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर शुरू हो गए थे, ये जो बेहद होते हैं। और फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रिले, वो करते थे स्विच ऑन ऑफ 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 ऑन ऑन ऑफ। मीन्स जो आपका 1890 में कंप्यूटर आया था वो स्विच भी हो सकता, मेन स्विच मतलब ऑन हो सकता था और ऑफ भी हो सकता था। जो 1890 में कंप्यूटर आए थे 1940 में खत्म हो गए थे। फिर 1940 से बहुत अलग सी टेक्नोलॉजी आई थी। तो ये आप एक डायग्राम देख सकते हो, इसमें इस कंप्यूटर में ये जो 1890 का सबसे पहला कंप्यूटर आया था, 1890 में सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस ये आई थी। और इसमें आया था आपका बाइनरी नंबर का सिस्टम आया था इसमें आपका, ओके इसमें बाइनरी नंबर का सिस्टम आया था। इसमें आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर कर भी सकते थे बाइनरी लैंग्वेज में, आप इसमें जब कैलकुलेट कर सकते थे बाइनरी नंबर सिस्टम के लैंग्वेज में आप कर सकते हो। तो ऐसे ही आप कर सकते हो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर। अब आपको पता गया, जैसे कि आपको इतना समझ आ गया। अब मैं जैसे कि यहाँ पे लाता हूँ ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर ASCC। तो ये क्या, इसमें आपका एक मार्क वन होता है जो 15.55 मीटर्स लॉन्ग होता है, 5 टर्न्स होता है, 3300 एलोमैग्नेटिंग नेट रिलेस होते हैं इसमें मार्क वन में। मार्क वन में आपको जरूर समझ आ गया होगा, मार्क वन में 15.55 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, मार्क वन आपको जरूर समझ आ गया होगा। मार्क वन क्या है? ओके तो एक आया था वैक्यूम ट्यूब, उससे कंप्यूटर की जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा बेहतर हो गई थी, जो आया था 1940 में। तो 1940s में आया था वो और मैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों अपने फैमिली का वीडियो शेयर करें। तो मिलेंगे इसी अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।